अपने गृहनगर टीकमगढ़ पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार व बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई को पॉलिटिकल कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने ठाकरे परिवार की गरिमा को गिराया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह की घटना में भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने एक अच्छा कलाकार खोया है। उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में हैं, लेकिन अचानक अब बात पलट कर एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि ठाकरे परिवार जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे जो महान व्यक्ति माने गए और उनके पुत्र जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अचानक उनके द्वारा जो कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की गई है उससे उनकी गरिमा के साथ साथ सरकार व बीएमसी की गरिमा भी गिरी है। उन्होंने कहा कि अगर कंगना का ऑफिस अतिक्रमण की सूची में था तो फिर पहले क्यों नहीं गिराया गया। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की कार्रवाई के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजनीतिक हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। कंगना पर की गई कार्रवाई उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में बॉलीवुड कलाकार कंगना के समर्थन में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी उतर आई हैं। उन्होंने कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद की गरिमा के साथ साथ सरकार की गरिमा को भी गिराया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सुशांत सिंह का घटना, जो उनकी घटना हुई, जो हादसा हुआ, एक अच्छे कलाकार को भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने खोया। उसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में, लेकिन अचानक बात पलट करके एक ऐसी स्थिति में आ गई जब ठाकरे परिवार जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है ये उनकी गरिमा को गिराया, सरकार की गरिमा को तो गिराया ही है, बीएमसी की गरिमा को भी गिराया, क्योंकि जो बृहन मुंबई नगर जो कॉरपोरेशन है बीएमसी, वो एक महान संस्था मानी जाती रही है। बम्बई को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, बीएमसी ने बम्बई को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, और बीएमसी अपने आप में एक दुनिया है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड है, और उनके बैठे हुए जो अधिकारी होते वो सामान्य लोग नहीं माने जाते, वो लोग इस पे आ गए। अगर मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है, और ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई, और ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है, ये मैं कहूँगी। बुंदेली तर्कस के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।